हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल ट्रैवल विद सिंह फैमिली में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी हेल्दी एंड फिट होंगे। तो जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा कि हम लोग आज लिपाक्षी टेम्पल जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ यानी सिंह फैमिली के साथ, और आप भी लिपाक्षी टेम्पल के दर्शन कीजिए। तो अभी जो टाइम है वो ऑलमोस्ट 9:45 का हो चुका है और अराउंड 9 o'clock हम घर से निकले थे। तो थोड़ा दूर चल के मुझे जगह मिली तो सोचा क्या नाम है, घर पे कुछ ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था तो हमने पैक कर लिया है और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अपनी जर्नी को फिर से कंटिन्यू करेंगे और इस जर्नी में हम कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करें कि कहाँ कहाँ हम गए थे। तो एक आइडिया बता देता हूँ कि हमारे यहाँ से मतलब बेंगलुरु से, और या आप लोकेशन कंसीडर कर सकते हैं केआरपुरम से, लिपाक्षी टेम्पल की जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 130 और 135 किलोमीटर के अप्रॉक्स में है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आप सेफली ड्राइव करते हैं तो ऑलमोस्ट थ्री आवर्स या 3.5 आवर्स की जर्नी है। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है आप फास्ट चला के जल्दी पहुंच जाएं और क्या नाम है जल्दी टेंपल के दर्शन कर लें, तो ऐसा ना करें। कोशिश करें कि सेफली ड्राइव करें हाईवे पे। बेसिकली NH44 है और NH44 पे आपको थोड़ा सेफली ड्राइव करना चाहिए क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक रहता है और काफ़ी हैवी व्हीकल्स भी रहते हैं। हम यहाँ से बस 5-10 मिनट में ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल जाएंगे और निकलने के बाद जो भी बीच में स्पॉट्स पड़ेंगे आपको कोशिश करेंगे कि उनके बारे में भी ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। कुछ दूर ड्राइव करने के बाद आपको ये शहर कोड़ीकोंडा नज़र आएगा और ये रहा वो सुंदर सा गेट, और सामने बैठे हुए हैं नंदी महाराज, और ऊपर देखिए कितना सुंदर सा पक्षी बना हुआ है। और यहाँ से हमको लगभग 14-15 किलोमीटर की डिस्टेंस और कवर करनी है, उसके बाद हम लिपाक्षी सिटी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जगह जगह पर आपको साइन बोर्ड भी नज़र आ जाएंगे। जब आप लिपाक्षी मंदिर में एंट्री करेंगे ना तो आपको इस तरह से गाइड भी मिलेंगे, वो आपको डायरेक्शन बताते रहेंगे कि आपको किधर जाना है। ये मेन गेट है जटायु थीम पार्क का। सामने अगर आप ऊपर देख रहे होंगे तो बहुत बड़ी बर्ड बनी हुई है। यहाँ पे जो पार्किंग का टिकट है वो 80 रुपीज़ का है और आप कहीं पे भी पार्किंग कर सकते हैं, चाहे तो आप जटायु थीम पार्क के सामने कर सकते हैं या फिर क्या नाम है मंदिर के पास कर सकते हैं। अच्छा, आपको मंदिर के बारे में कुछ बताता हूँ। ये जो मंदिर है ना, लगभग 500 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1530 में किया गया था और इस मंदिर को दो भाइयों ने बनवाया था जिनका नाम वीरम्पना नायक और वीरना नायक था। लिपाक्षी मंदिर को वीरभद्र मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली भगवान वीरभद्र भगवान शिव जी के ही रूप है, इसलिए इस मंदिर को वीरभद्र के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इस मंदिर की कुछ खास बातें भी हैं। इस मंदिर में टोटल 70 पिलर्स हैं जिसमें एक पिलर का बेस ही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वो पिलर हवा में है, मैंने आज तक नहीं देखा है, अब जाके देखूँ। इसलिए इस पिलर की वजह से इस मंदिर को हैंगिंग पिलर मंदिर भी कहते हैं। अच्छा, एक खास बात और बताता हूँ। आप सभी ने टीवी पर रामायण तो जरूर देखी होगी। अगर आपको याद हो, जब रावण माता सीता को ले जा रहे थे तब माता सीता की आवाज़ को सुनकर जटायु माता सीता को बचाने के लिए रावण पर टूट पड़े, और एक बार तो रावण को बाल पकड़ के जमीन पर पटक भी दिया था। लेकिन जटायु काफी बूढ़े थे इसलिए वे ज्यादा देर टिक ना सके और रावण ने जटायु का एक पंख काट दिया, जिससे जटायु अपने आप को हवा में संभाल न सके और जमीन पर आकर गिर गए। इन्हीं जटायु के नाम पर इस जगह का नाम लिपाक्षी पड़ा। तो फाइनली हम लिपाक्षी टेम्पल पहुंच चुके हैं और अभी गाड़ी पार्किंग में लगाई है जस्ट, और यहाँ पे ह्यूज पार्किंग है। तो अगर आप यहाँ पे लिपाक्षी में आ रहे हैं तो
तो आपको पार्किंग का कोई इशू नहीं है। मैं आपको एक बार इसका व्यू दे देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि लिपाक्षी टेम्पल अगर आप आ रहे हैं तो आप अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं, अगर आप कैब के साथ आ रहे हैं तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं एक ओवरव्यू देता हूँ पहले। ये देखिए, इट्स अ ह्यूज पार्किंग एरिया। तो कुछ लोगों ने जस्ट ट्री के सहारे गाड़ी को खड़ा किया है जिससे कि उनकी गाड़ी थोड़ा ठंडी रहे। और यहाँ पे मेरी गाड़ी है, यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी को भी एक पेड़ की छांव में खड़ा कर रखा है। उधर भी स्पेस है और सामने भी स्पेस है और बीच में भी स्पेस है। तो अगर आप आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। सामने जो आपको वो थोड़ा रॉक दिख रहे हैं वो जटायु थीम पार्क है। इस साइड से आपको वो जटायु बर्ड दिखाई नहीं दे रही है, बट वो जो स्टोन है स्टोन के पीछे आपको वो जटायु पक्षी दिख जाएगा। तो वो हम लौटते समय कवर करेंगे। फिलहाल हम लंच के लिए रुके पड़े हैं, हम अपना लंच फिनिश करेंगे और उसके बाद हम टेंपल की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से टेंपल थोड़ी सी दूर में है, धूप काफ़ी है लेकिन अच्छी हवा चल रही है। मैं आपको एक गेस्ट से मिलवा लेता हूँ। हाँ ये देखो, हाँ ये कौन है? आपका नाम क्या है? मेरा? हाँ पूरा नाम बताओ। तो गाड़ी हमने पार्क कर दी और हम जा रहे हैं टेंपल की तरफ। ये आ गया रोड। थोड़ा सा एडवेंचर कर लो। अर्नो पकड़ो उसको। ये बात चलो इधर से आ जाओ। आओ आ जा कछुए। हाँ ये आ गया रोड। इतना गाड़ी भी आ रही, थोड़ा सा इधर हो जाओ। तो ये है एंट्री गेट लिपाक्षी टेंपल का और मेरे जस्ट पीछे उधर वो है लिपाक्षी और जटायु पार्क। चलो आगे चलो। खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो ये छुया तो पहले पंखे पंखे की जरूरत ही नहीं है भाई। ये है वो पिलर्स। इधर बेटा हम तो यू कैन काउंट द पिलर्स 1 2 3
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह तीन 36 पिलर्स का एक ही हॉल है। तो एक रो में क्या करना है? बड़ी। क्यों? मन करता है। क्या करना है? मन करता है। किस चीज के लिए? गोदी लेने के लिए। चलो आगे चलो, मैं आपको एक व्यू दे देता हूँ इसका। ये एंट्री गेट हो रहा, एंट्री गेट से हम एंटर करने के बाद इधर आ गए हैं। फिर एक हॉल ये है, काफी बड़ा हॉल है। बहुत ही अद्भुत टेम्पल है। इसके पिलर काउंट करना इट्स नॉट इजी। ये है नागलिंगा गणेशा टेम्पल। चलो अंदर चलते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाप रे, कितनी बड़ी रॉक्स हैं, एक नहीं दो हैं पूरी पूरी। बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आप अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया देख रहे हैं, इसकी भी एक स्टोरी है। एक्चुअली जब राजा कुछ टाइम के लिए यहाँ से चले गए थे, तो राजा के जो अकाउंटेंट थे ना, उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया था विदाउट राजा की परमिशन के। कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था कि राजा वापस आ गए, और जब बिना परमिशन के राजा ने ये कंस्ट्रक्शन देखा, तो उन्होंने इस कंस्ट्रक्शन को तुरंत रुकवा दिया, और जो अकाउंटेंट थे उनको सजा के तौर पर उनकी आँखों को निकलवा दिया, और तो और उनकी आंखों को दीवार पर फेंक के मारा। तब से यही मानते हैं कि राजा के जो अकाउंटेंट थे ना, उनकी आंखें यही कहीं हैं। ये जो सामने तो चट्टाने देख रहे हैं ना, चलो वहाँ चलते हैं। सुनने में आया है कि इन चट्टानों में गणेश जी और शिव जी की मूर्ति बनी हुई है। आओ चलो देखते हैं। देखो लोग अपनी गलती की सजा भी मांग रहे हैं। ये देखिए भगवान गणेश जी की कितनी सुंदर मूर्ति है, और ये सिर्फ एक ही चट्टान पर बनी है। सच में बहुत ही अच्छी कलाकारी है, और हैट्स ऑफ है उन वर्कर्स को जिन्होंने इतनी अच्छी मूर्त को आकार दिया। ये जो साइड में आप दूसरी चट्टान देख रहे हैं, इसमें शिवलिंग की नक्काशी की गई है। आओ उधर से देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन शिवलिंग है। अगर आप राइट टू लेफ्ट देखते हैं, तो पहले शिवलिंग पर हाथी जल अभिषेक कर रहा है, और दूसरे शिवलिंग पर जो मिडिल वाला है उस पर एक आदमी जलाभिषेक करता हुआ दिखाई दे रहा है, और लास्ट वाले पे सिर्फ शिवलिंग है। हो सकता है कि कंप्लीट ना हुआ हो, तो सिर्फ शिवलिंग ही बना हुआ है। थोड़ा उधर साइड चलते हैं और देखते हैं कि उधर क्या बना हुआ है।
वाओ क्या बात है, एक और शिवलिंग और शेष नाग, मजा ही आ गया। मुझे लगता है आपको एक बार यहाँ पर आना ही चाहिए। आओ ऊपर से देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, और वो पीछे आप मंदिर का शिखर देख रहे हैं, वो मेन टेंपल है, वहाँ भी जाएंगे। पहले यहाँ की चीज़ें कवर कर लेते हैं। वो देखो एक और भोले बाबा वहाँ विराजमान है, आओ प्रणाम करके आते हैं उनको। जय भोलेनाथ। अगर आप ही भी वीडियो में बने हुए हैं तो एक बार हर हर महादेव कमेंट में लिख दीजिए, और वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आओ चलते हैं उधर भोले बाबा के पास। देखिए मम्मीज और मम्मीज के पपीज। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा। ये सामने मुख्य मंदिर है, आइए मुख्य मंदिर की ओर चलते हैं। अच्छा, हो सकता है मुख्य मंदिर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड ना हो, क्योंकि ज़्यादातर मंदिरों में वीडियो शूट करना मना होता है, तो हो सकता है यहाँ पर भी वीडियो शूट करना मना हो। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, जितना हो सकता है उतना वीडियो शूट करूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। Thank you.
दिख रहे हैं सीता माता के पैर का छाप, बहुत बड़ा छाप है एक्चुअल में। आई डोंट नो कि कैसा है, बट लोगों की ये धारणा है कि सीता माँ के पैर का निशान है। ये आप देख सकते हैं दूसरे साइड से, ये मंदिर का दूसरा हिस्सा है और यहाँ पे भी सेम आर्किटेक्चर प्लान यूज किया गया है। आइए चलते हैं, मैं आपको मेन गेट दिखाता हूँ इस मंदिर का। तो मैं अभी आ गया हूँ मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ। इधर साइड आप देख सकते हैं एक पार्क ये है और दूसरी साइड पे अगर जाते हैं तो इस साइड पे भी ये एक पार्क है, यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। काफी बड़ा इमली का पेड़ भी आप देख सकते हैं और ये रहा लिपाक्षी शहर। तो वहाँ नीचे आप टॉय शॉप भी हैं, आप अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो बच्चे के लिए टॉय भी खरीद सकते हैं। काफी अच्छा है, साफ सुथरा है। चलिए जटायु पार्क की तरफ चलते हैं। तो हम आ गए हैं जटायु पार्क में और जटायु पार्क में टिकट का प्राइस है 10 रुपीज पर पर्सन। ऊपर देखिए कितनी बड़ी चट्टान है और उसके ऊपर है जटायु। इसके जाने का रास्ता शायद उधर से है, चलते हैं उधर की साइड पे और देखते हैं कि ऊपर जाने के लिए कितनी सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी हमको। लोग आ भी रहे हैं उधर से। यहाँ पे सुना है ऊपर बंदर हैं, तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं, क्योंकि मैं अपना मोबाइल या गैजेट्स खोना नहीं चाहता। आई थिंक ये सीढ़ियाँ जो हैं वो ऊपर जाती हैं। चलिए हम भी शुरुआत करते हैं। उधर से ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था, इधर से ज़्यादा बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी चलो चलते हैं। ऊपर जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि लोग आ भी रहे हैं सेम रास्ते से और लोग जा भी ऊपर ही रहे हैं सेम रास्ते से, और कोई भी फेंसिंग नहीं है फिलहाल तो अभी तक। आई थिंक ऊपर मेरे को दिख रहा है कि ऊपर फेंसिंग है सेफ्टी के लिए। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं तो हो सके तो बच्चों को गोद में ले लें या फिर क्या नाम है प्रॉपर उनको अपने साथ रखें। क्या मस्त रॉक है। चलो बाबू आ जाओ। ये भैया बैठे हुए हैं, इन भैया को टिकट दिया और देन हम ऊपर के लिए रेडी हो सकते हैं। आ जाओ। जैसा मैंने बताया था ऊपर बंदर हैं, देखो एक का किसी का कपड़ा ले लिया है, तो मैं रख रहा हूँ मोबाइल अंदर। अभी हम पहुँच गए हैं बिल्कुल टॉप पे और आप देख सकते हैं शहर का नज़ारा और यहाँ से जटायु जी, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है ऊपर से, पूरे शहर का आसपास के एरिया का व्यू आपको दिख जाएगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा, आप बताइए कमेंट में कि यहाँ पे आना वर्थ है या नहीं है।
ये वन डे ट्रिप है, आप आइए एंजॉय कीजिए। मैं वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि बंदर काफ़ी हैं।